हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के इस मंच हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज की क्लास करेंगे भारत में सहकारिता संबंधी अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सहकारिता विभाग अधिनियम से क्वेश्चन करेंगे, टोटल 25 से भी अधिक प्रश्न करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 5 से 6 दिन बचा हुआ है, तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। चलिए फिर क्लास करते हैं। भारत में सहकारी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नवंबर में। उसी प्रकार NCUI क्या है? तो NCUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। NCUI का फुल फॉर्म बताइएगा, तो इसका आंसर होगा नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहकारी NCUI द्वारा प्रकाशित एक जो पत्रिका है वो आपका हो जाएगा ए, मासिक पत्रिका। कौन सी हो जाएगी? मासिक पत्रिका जो है आपका NCUI। और अभी हमने अभी फुल फॉर्म देखा था, यहाँ पर NCUI का फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडियन। ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडियन, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वर्ष 1920 में भारत का पहला सहकारी भूमि बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? पंजाब झांग में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन रहेगा आपका VAMNICOM क्या है? तो ये आपका वैकुंड मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए NCCT का मतलब क्या होता है? NCCT का मतलब क्या होता है पूछा गया है, तो इसका मतलब होगा राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद है देश का, है ना, देश का सहकारी ऋण संस्थाओं का वर्गीकृत किया जा रहा है, तो इसका जिला स्तरीय पर। भारत में पहला पंजाब झांग में सहकारी भूमि बंधक है आपका 1920 में। कब लागू किया गया था? 1920 में। ठीक है, वर्ष 1920 में पहला DCB कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान अजमेर में। इसी प्रकार नेक्स्ट है केरल सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ जिले लोकप्रिय रूप में कहा जाता है, तो इसका आंसर उत्तर सी होगा, अप्रैल 1980। इसके बाद है MILMA मिल्का का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। चलिए मैं आपको टिक नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर कराते चल रहा हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना। अच्छा, देखिए 1969-70 में NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो समिति है ये उसके लिए जो योजना है कौन से शुरू की थी? तो ये आपका ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी कि NAFED की स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया है? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आपका 1 जुलाई 1970 में। ठीक है, पहली डेयरी सहकारी समिति 1913 में कहाँ पंजीकृत की जाएगी? तो UP इलाहाबाद में। जो पहला है ना डेयरी सहकारी समिति 1913 में कहाँ पंजीकृत की जा रही है? तो UP इलाहाबाद में। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली क्लास हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ये आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 वीडियो रहेगा, जो आपके 5 से 6 दिन में आपका पूरा टॉपिक यानी कि 20 से 25 नंबर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जूट उद्योग में खालिस्तान प्रमुख उद्योग है? तो जूट उद्योग में प्रमुख उद्योग है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगर आप डेली क्लास हमारे चैनल पर करते हैं तो 20 से 15 नंबर आपका कवर हो जाएगा, डेली क्लास लेकर आएंगे आपका अपेक्स बैंक भर्ती से, जो 5 से 6 दिन बचा हुआ है यानी कि 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। अगर आप डेली छोटा छोटा MCQ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बिल्कुल छोटा छोटा MCQ कराया जा रहा है, जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये आपका एन
NDDB, आप देखा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाला है ना, वही है आपका ऑपरेशन फ्लड जो आपका 1 जुलाई 1970 में लागू हुआ है। अब देखेंगे LAMPS का फुल फॉर्म होता क्या है, तो LAMPS का फुल फॉर्म होता है आपका इसका आंसर होगा लार्जेस्ट आदिवासी मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा और इधर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए देखिए इसका आंसर भी होगा। उसके बाद सहकारी समिति के पंजीकरण और अन्य गतिविधि की कौन नियंत्रण करता है, तो RCS करता है, ठीक है, जो इसका नियंत्रण कौन करता है RCS, सही कथन देखिए तो इसका आंसर सी होगा, विशिष्ट ए और बी। भारत में जिला सहकारी बैंकों के जो कामकाज का जो नियंत्रण करता है कौन करता है, तो RBI करता है, RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो कब पारित किया गया था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 1976। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत स्थापित कौन सा बैंक है, तो आपको गौर ग्रामीण बैंक होगा, कौन सा होगा गौर ग्रामीण बैंक। इसके बाद है किस प्रकार के समाज को कर छूट दी जाती है, तो आप बताएंगे हैंडलूम, कौन सा है हैंडलूम, ठीक है, इसका आंसर ए होगा हैंडलूम। ऐसा देखिए कौन सा समाज है, मतलब पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा समाज है जिसमें छूट दी जा रही है, तो एक हैंडलूम प्रकार का है जिसको छूट दी जा रही है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिएगा किसी सोसाइटी के सदस्य, मतलब एक भाग से चले गए हैं ना इधर में इस प्रकार, एक मिनट ना थोड़ा सा इस प्रकार का मैं इधर ऐसे ऐसे, अरे देखिए सॉरी कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार देखिए इस प्रकार का ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, राइट टिक नहीं लगा पाऊंगा ना, तो आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान में समझते हुए क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा। किसी सोसाइटी के सदस्य के पहचान के लिए, मतलब कोई सोसाइटी है जिसमें सदस्य के पहचान के लिए हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है, तो वो आपका सचिव का होता है। सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो रजिस्ट्रार। और पहली डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई है, तो 1913 इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न उपभोक्ता, भारत में उपभोक्ता सहकारी समिति का सहकारी समिति का शीर्ष संघ है आपका, हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। इसके बाद है NCCF की स्थापना बहुराज्य सहकारी समिति कोऑपरेटिव अधिनियम 2002 के तहत की गई, इसका संचालन कौन करेगा, 16 अक्टूबर 1965 में। इसके बाद है NCF की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को की गई थी, और इसे किसके तहत प्रशासित किया जा रहा है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCD की स्थापना 1963 में केंद्र सरकार द्वारा कितने, मतलब केंद्र सरकार किसके अधिनियम के तहत पारित करने की कही गई है, तो आपका हो जाएगा NCDC अधिनियम 1962। याद रख लीजिएगा हमेशा एग्जाम में 1960 और 1962 से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCD के तहत पूछा गया है, तो 1963 में। PACS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसका आंसर सी होगा। देखिएगा यहाँ पर जो PACS है ना, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको अच्छे से एक बार दोहरा दीजिएगा हमारे साथ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर सी लिया है। अब भारत में कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश कौन करता है, तो डी होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा उसी प्रकार ए। DCCWS का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेलर स्टोरीज, ठीक है। इसके बाद भारत में सहकारी समिति किस संगठन की संरचना का पालन करती है, तो आपका होगा संघीय संरचना, ठीक है। तो बाकी का और भी वीडियो देखना चाहते हैं कंप्यूटर का, छत्तीसगढ़ का क्लासेस हमारे चैनल पर डेली क्लास कराया जाएगा, कल से स्टार्ट हो रही है, 5 से 6 दिन बचे हुए, तो 5 से 6 दिन में आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली मतलब कल से आपका
एक दिन में है ना, यानी कि दिन भर में आपका 3 वीडियो आएगी। ये आपका पहला वीडियो है। उसी प्रकार दूसरा वीडियो दोपहर को मिलेगा, पहला वीडियो सुबह मिलेगा, दूसरा वीडियो दोपहर को, और तीसरा वीडियो आपको शाम को मिलेगा। ठीक है, तो शाम 7:30 बजे, दोपहर 2 बजे या 3 बजे के आसपास, और सुबह आपका 7 से 8 बजे, ये 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ टोटल हमने क्वेश्चन किए हैं। ऐसे और भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ये डेमो क्लास था, आपको ये छोटा सा वीडियो लेकर आया था। जो आपको अच्छा लगता है तो डेली क्लास कंटिन्यू करते रहिएगा।